हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। मेरे इस चैनल में आप सभी का स्वागत है। आई होप कि आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे फ्रेंड, और मैं भी अच्छी हूँ। और आप सभी को हैप्पी दीपावली फ्रेंड। तो आज दीपावली है, तो आज तो क्या बताऊँ फ्रेंड, आज मेरे घर में बहुत ही ज़्यादा, हमें तो लगा था कि आज हमारे घर में दीपावली मनेगा ही नहीं, लेकिन भगवान की दया से सब ठीक हो गया है। तो आज मैं क्या बताऊँ फ्रेंड, बहुत ही ज़्यादा हम लोग आज परेशान हो गए सुबह से। और सोचे नहीं थे कि इतना हम लोगों को परेशानी उठाना पड़ जाएगा। और गलती असल में हम ही लोग का है, तो गलती भी की है फ्रेंड, तो उसके लिए बहुत ही ज़्यादा अफसोस भी लगा। और मैं क्या बताऊँ फ्रेंड, अब बस इतना ही मैं जानती हूँ कि बस सब ठीक हो गया है, ज़्यादा अब कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि जो परेशानी था वो सॉल्व हो चुका है। और फ्रेंड मैं वो कारण को बताऊँगी और क्या कारण था कि आज हम लोग बहुत ही ज़्यादा हम लोग परेशान हो गए थे फ्रेंड, बहुत ही ज़्यादा। सुबह से नहीं, 11 बारह बजे के लमसम में सारा सुबह से तो हम लोग काम में लगे थे। और उसके बाद काम जब फाइनल हो गया था, बस नहाना बाकी था फ्रेंड हम लोग को। और उसी समय एक, जैसे कि हम लोग, वो जो कारण है फ्रेंड, मैं आप लोगों को बताती हूँ। वो जो हम लोग सुबह से परेशान थे और लग रहा था कि दीपावली नहीं मना पाएंगे आज, और बहुत ही ज़्यादा लगा था कि कोई, मतलब घर में जैसे नहीं होता है कि गम छा गया है, कोई घर में एक्सपायर कर गया है, उस तरह से दम लग रहा था। बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था फ्रेंड, और रो रो के तो क्या बताओ, एकदम समझ ही में नहीं आ रहा था, पूरा आँख से आंसू रुक ही नहीं रहा था। क्या बताऊँ मैं, बहुत ही ज़्यादा इतना अफसोस लग रहा था फ्रेंड कि मैं क्या बताऊँ। आज तक मुझे इतना इतना मैं कि लेकिन आज तक इतना अफसोस नहीं हुआ जितना आज मुझे हुआ, बहुत ही ज़्यादा हुआ फ्रेंड। मैं उस चीज़ को महत्व नहीं समझी, बस मेरे में यही गलती है कि मैं उस चीज़ को महत्व नहीं दी। और महत्व तो ऐसे देती हूँ फ्रेंड, बहुत ही ज़्यादा देती हूँ, और अगर महत्व नहीं देती तो आज मैं यहाँ नहीं रहती और आप लोगों के सामने शायद मैं जो आज बोल रही हूँ ये चीज़ नहीं बोल पाती। तो फ्रेंड मैं, कारण ये है कि, तो फ्रेंड मैं अभी आ गई हूँ छत पे, और ये देख सकते हैं पूरा कपड़ा इधर मकई वकई भी डाला हुआ है, तो मैं अभी छत पे आ गई हूँ, किचन में थी। सो फ्रेंड मैं जो बताने जा रही हूँ अभी, गलत कमेंट मत कीजिएगा फ्रेंड, क्योंकि गलती तो हो गया और आज के बाद कान पकड़ रहे हैं, कभी गलती नहीं होगा। तो फ्रेंड मैं आप लोगों के साथ इसलिए शेयर कर रही हूँ कि आप लोग भी ऐसा गलती मत कीजिएगा, और वैसे भी आप लोग तो बहुत ही ज़्यादा समझदार हैं, तो आप लोग गलती नहीं कीजिएगा, लेकिन फिर भी मैं आप लोगों के साथ शेयर इसलिए कर रही हूँ कि अगर मान लेते हैं कि अगर कोई वैसे होंगे भी, अगर वैसा करना भी चाहते होंगे या सोचे होंगे, तो वैसा मत कीजिएगा फ्रेंड, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा दिक्कत होगा। हम लोगों को तो समझ में नहीं आया था, लेकिन आज समझ में आ गया है और बहुत ही अच्छे से आ गया है फ्रेंड। तो आप लोग वैसा मत कीजिएगा फ्रेंड, जो गलती आज हम किए हैं। और मैं क्या बताऊँ आप लोगों को, तो फ्रेंड कारण ये है कि जैसे कि हम लोग दीपावली का साफ़ सफाई कर रहे थे, तो सारा घर में साफ़ सफाई हो रहा था, तो हमारे घर में जैसे कि मेरा छोटा वाला भाई है, तो उसका सारा कॉपी किताब जितना भी होता है, नोट वोट जितना उसका था, तो मतलब हम देख रहे हैं कि 2008 से 8-9 से उसका कॉपी सारा रखा हुआ था, कॉपी बुक सारा था उसका रखा हुआ। और बहुत, मतलब 2008 से लेकर अभी तक का उसका, अभी तक का तो नहीं, अभी तक तक का तो सारा रखा हुआ है इसका कॉपी किताब, लेकिन जो 15-16 तक था, 17-18 तक, वो सारा बुक हम लोग क्या किए थे कि रख दिए थे गलियारी में, और ऊपर में रखे थे हम लोग
तो घर में साफ सफाई हो रहा था, तो हम लोग सोचे कि उस कॉपी का अब क्या होगा, और चूहा भी बहुत ही ज़्यादा काट दिया था अपने, तो हम लोग सोचे कि बिना काम का हो गया है वो, अच्छा नहीं है और अब इसका क्या उपयोग होगा। तो हम लोग क्या किए थे कि सारा जितना कॉपी था मेरा भाई का, छोटा वाला भाई का, तो हम लोग क्या किए कि हम लोग सोचे कि जब उसको काम है ही नहीं, तो हम लोग एक कबाड़ा वाला आया था और हम लोग कबाड़ा वाला को बेच दिए। हम लोगों को पता ही नहीं था कि उसको ज़रूरत पड़ेगा, और हम लोग उससे यही गलती किए थे कि हम लोग उससे पूछे नहीं कि हाँ तुम कॉपी रखोगे या नहीं रखोगे। ये तो हम लोगों से गलती हुआ है फ्रेंड। और हम लोग घर में साफ़ सफाई कर रहे थे, तो हम लोग को भी थोड़ा सा होना चाहिए कि एक बार पूछ ले उससे कि वो रखेगा या नहीं रखेगा। ये गलती हम लोग मानते हैं कि हमारे में गलती है। तो फ्रेंड हम लोग वही साफ़ सफाई कर रहे थे, तो उसका जितना कॉपी था 2008 से लेकर 18 19 तक 20 तक जितना उसका कॉपी था, हम लोग क्या किए कि कबाड़े वाला आया था उसके पास हम लोग बेच दिए। तो मात्र अभी 2 से 3 3 से 4 दिन हुआ होगा फ्रेंड, और आज वो आया, मेरा भाई वो बाहर में रहता है, तो आया तो वो अपना कॉपी किताब सारा खोजने लगा, तो हम लोग बोले कि बेच दिए तुम्हारा, जितना भी था चूहा वूहा भी काट दिया था, तो बिना काम का हो गया था तो उसको बेच दिए। अब वो गुस्साने लगा, पूरा गुस्साने लगा। तो फिर क्या किए कि हम लोग भी डर गए और वो रोने लगा। अब वो रोने लगा तो उसको देख करके हमको भी रोना आ गया फ्रेंड, क्या बताएं हम। और मेरे मेरे में एक है कि अगर मेरा भाई बहन कोई भी है, अगर घर में रो जाएगा, भले हम उसके सामने नहीं रोएंगे, लेकिन बाद में हम इतना रोते हैं ना कि हम क्या बताएं आप लोगों के सामने। अभी भी मेरा बहुत ज़्यादा हमको अफसोस लगने लगता है कि काहे हम ऐसा गलती किए, अगर हम आज ऐसा गलती नहीं करते तो आज नहीं रोता। हमको बहुत ज़्यादा अफसोस लगने लगता है फ्रेंड कि काहे हम ऐसा किए, कहाँ मेरा उस समय दिमाग था कि हम ऐसा गलती कर दिए। तो कोई नहीं फ्रेंड, लेकिन अभी बेच तो दिए हम लोग, बेच दिए। उसके बाद वो अपना लेकर के चला गया, फिर भाई आया तो ढूंढने लगा तो वो अपना नहीं मिला, तो वो रोने होने लगा। तो फिर हम लोग क्या किए कि एक थे कोई अपना चिन्ह परिचय का, तो उनका नंबर था मम्मी के पास, तो मम्मी उनके पास फ़ोन की कि ये यहाँ, मतलब वो मम्मी उनसे बात की तो बोले कि वहाँ के हैं, सो क्या आपके पास उनका नंबर है, तो वो बोले कि नहीं नंबर तो नहीं है लेकिन उनका घर हम जानते हैं। तो मम्मी फिर कही कि ठीक है, तो मेरा भाई लोग गया तो अभी गया है। बस भगवान का यही मैं शुक्रगुजार हूँ फ्रेंड, और आप लोगों की दुआ से मैं क्या बताऊँ, शायद ज़रूर कुछ अच्छा किए हैं अपने जीवन में, थोड़ा बहुत ज़रूर अच्छा किए हैं, इसलिए आज हमारे साथ भी गलत नहीं हुआ। वो जो कॉपी किताब ले गए थे भैया, जो अपना कबाड़ा वाले जो भैया थे, वो कॉपी किताब ले गए थे मेरे घर से, जो हम लोग बेचे थे कॉपी किताब, वो अपने घर में ही ले जा कर के अभी रखे हैं। अभी वो कहीं पे ले जा कर के बेचे नहीं हैं, वो अपने घर पे ही ले जा कर के रखे हैं। तो मेरा भाई लोग गया तो वहीं पे उनका अपना जो उनका घर है वो रखे हुए हैं। तो भाई लोग गया तो इन लोग को पता चला कि हाँ कॉपी किताब यहीं पर है, यहाँ से अभी नहीं गया है, तो वो लोग वहीं पर हैं फ्रेंड। तो जब सुने कि चलो कॉपी किताब वहीं पे है, अभी वो बेचे नहीं हैं, रखे हैं, तब जाके कुछ जान में जान लगा फ्रेंड, और बहुत ही ज़्यादा खुश हुई। और डर तो इतना लग रहा था कि क्या बताऊँ फ्रेंड। बस आप लोग ऐसा गलती मत कीजिएगा फ्रेंड जो आज मैं की हूँ। बहुत ही ज़्यादा मुझे अफसोस लगा, बहुत ही ज़्यादा। मैं आपको मतलब बता नहीं पा रही हूँ कि मैं कितना अपने आप को कोसी हूँ, और बहुत ही ज़्यादा मैं दुखी हुई हुई फ्रेंड, क्योंकि मुझे लगता है कि मैं उस मुझे बस इतना ही लगा था फ्रेंड कि चूहा काट दिया है, और वो तो बिना काम का हो गया, पूरा कुतर उतर दिया था, तो बिना काम का हो गया तो अब तो इसका कुछ काम है नहीं। बस इसी वजह से हम लोग क्या किए कि बेच दिए थे, और बस थोड़ा सा गलती किए फ्रेंड, बस थोड़ा सा, कि उससे हम लोग पूछे नहीं कि तुम रखोगे या इसको हम लोग बेच दें, बस यही गलती हुआ था, इसके लिए सॉरी। और आप लोग भी माफ़ कर दीजिएगा फ्रेंड, क्योंकि ये मुझे नहीं करना चाहिए था, और वैसे भी विद्या को तो बेचना नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी पता नहीं दिमाग मेरा क्या बताऊँ मैं, बहुत ही ज़्यादा अफसोस लग रहा है फ्रेंड, सॉरी इसके लिए। तो आप लोग ऐसा मत कीजिएगा, कितना भी पुराना क्यों ना बुक हो, कॉपी हो,
जरूर उसको आप लोग रखे रहिएगा। और हम लोग, मैं क्या बताऊँ फ्रेंड, बस वो जानते हैं वो जब वो क्या करता है फ्रेंड, कि जब उस पेन से जो लिखता है वो उसका जब ख़त्म हो जाता है, उसमें का जो क्या बोलते हैं रिफिल जो होता है उसका ख़त्म हो जाता है, तो वो क्या करता है उस पेन का जो खोली होता है उसको भी वो रखे रहता है। और मैं आप लोगों को बताती हूँ कि मतलब इतना वो रखा था फ्रेंड, इतना सारा वो रखा था कि हम लोग क्या बताएं, लेकिन पेन तो रखा हुआ है, जैसे प्लास्टिक में बांध करके उसको रख दिए हैं, उसको फेंके नहीं, बस यही था कि मतलब फेंकने जा रहे थे बस, लेकिन उसको रख दिए थे हम लोग बस ऐसे ही, वो भी बाहर में ही रखा हुआ था। तो अब पता नहीं वो भी मम्मी पता नहीं किधर रख दी है। तो चलिए मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगी फिर। और आज तो मुझे लगा था कि आज मेरे घर में दीपावली मनेगा ही नहीं, ऐसा लग रहा था, लेकिन सब ठीक हो गया है फ्रेंड। और बुक भी मिल गया भाई को, तो उन लोग शाम को लेकर के आएगा अपना। और आज तो जैसे होता है ना कि घर में कुछ बहुत ही बड़ा दुर्घटना हो गया है, जैसे कोई घर में एक्सपायर कर गया है, हमको तो जस्ट एकदम वैसे ही लग रहा था फ्रेंड कि घर में कोई एक्सपायर कर गया है। इस तरह से लग, ना भूख लग रहा है, ना प्यास लग रहा है, ना कुछ खाने का मन कर रहा है, ना कुछ करने का मन कर रहा है, लेकिन मैं बहुत ही ज़्यादा, लेकिन अब ठीक है फ्रेंड। और बहुत ही ज़्यादा क्या है, माही भी आ गई है ये देखिए, तो ऐसे हो जाओ साइड में। तो फ्रेंड चलिए अब सब ठीक है और अच्छा है। तो अभी शाम को अब दिया हुआ भी जलेगा फ्रेंड। तो चलिए आता है भाई, उसके बाद आप लोगों को दिखाती हूँ, और जितना कॉपी किताब है वो लेकर के आएगा। तो चलिए आप लोग देखिएगा, और इसके लिए फिर से दिल से सॉरी फ्रेंड, बहुत ही ज़्यादा मैं बड़ी बहुत ही बड़ा गलती की हूँ जो कि मुझे नहीं करना चाहिए था, मुझे माफ़ कर दीजिएगा आप लोग भी। और मैं अपने भाई को भी सॉरी बोल रही हूँ, सॉरी सागर, कि हम तुम्हारा जो कॉपी किताब था वो तुम्हारा हम बेचे, सॉरी, हो सके तो माफ़ कर देना। और आप लोग भी माफ़ कर दीजिएगा फ्रेंड, आज के बाद मैं गलती नहीं करूँगी, कान पकड़ रही हूँ, कभी नहीं करूँगी। उसका एक छोटा से छोटा कील भी होगा ना तो उसका हम रख देंगे, उसका क्या, किसी का भी हो घर में, कॉपी किताब पेन जितना भी किसी का भी हो सारा रख देंगे, आज के बाद कभी नहीं फेंकेंगे फ्रेंड, कभी भी नहीं। क्योंकि आज मुझे एहसास हो गया, आज मुझे बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया कि उस कॉपी किताब को मेरा भाई इतने साल से संभाल के रखा था आखिर क्यों रखा था, और हम क्या कर दिए उसका बुक के साथ, कॉपी के साथ। लेकिन आज मुझे समझ में आ गया फ्रेंड। और तो चलिए फ्रेंड इतना ही बस, आप लोग माफ़ कर दीजिएगा आप लोग भी। तो चलिए अभी चलती हूँ, थोड़ा कपड़ा वपड़ा भी है सूखने के लिए डाली हूँ सब, तो चलती हूँ उठाती हूँ, और शाम को दिया हुआ भी जलेगा। तो चलिए आप लोग भी बने रहिए, और शाम को मिलते हैं आप लोगों से। और हमारा ये वीडियो भी बहुत ही ज़्यादा लंबा हो रहा है फ्रेंड, तो चलिए देखते हैं। सो फ्रेंड कॉपी सारा आ चुका है, और वैसा जो मेन था वो सारा कॉपी ले आया है भाई, और कुछ कुछ तो नहीं भी लाया क्योंकि वो कुछ कुछ बेच भी चुका था इसलिए। तो चलिए और कुछ नहीं फ्रेंड, आ चुका है सारा कॉपी बस, और क्या चाहिए हम लोगों को। तो कॉपी आ चुका है फ्रेंड सारा, और चलिए वो बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा भी उठाया, इतना ही का 500 रुपया ले लिया फ्रेंड, और जो कि हम लोगों को 300 कुछ रुपया दिया था, और कुछ कुछ था सामान, तो वो सब का तो पैसा मतलब नहीं काटा, लेकिन कॉपी का ज़्यादा पैसा हुआ था। तो इतना ही का वो 500 रुपया ले लिया, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है फ्रेंड, 500 रुपया ले लिया, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन जो था मेरा भाई का वो मिल गया, यही बहुत है हमारे लिए। तो चलिए जितना था उतना तो मिल गया, और हमारा वीडियो बहुत ही ज़्यादा लंबा हो रहा है फ्रेंड, इसलिए मैं दीपावली वाला ब्लॉग सेकेंड पार्ट में डालूँगी। तो चलिए आप लोग बने रहिए यहीं तक फ्रेंड, और मैं इस वीडियो को, जो हमारा ये जो वीडियो है फ्रेंड ये बहुत ही ज़्यादा लंबा होते जा रहा है, इसलिए मैं इस पार्ट में नहीं डालूँगी दीपावली वाला ब्लॉग। तो अगले दूसरे पार्ट में मैं अपना
दूसरे पार्ट में मैं दीपावली वाला ब्लॉग डालूंगी फ्रेंड, तो आप लोग बस मैं इतना ही इस ब्लॉग को रखती हूँ। और आई होप कि हमारा ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो फ्रेंड। अच्छा लगा हो तो एक लाइक, एक कमेंट और एक सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। पता नहीं आज क्या क्या बोल रही हूँ, समझ में नहीं आ रहा है। तो आई होप कि हमारा ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो फ्रेंड। अच्छा लगा हो तो एक लाइक, एक कमेंट और एक शेयर जरूर करिएगा। और नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।